गुड मॉर्निंग गाइस, आज का टॉपिक है आयु संबंधित प्रश्न, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक रूल, सबसे पहले ट्रिक समझेंगे, देन बेसिक रूल समझेंगे, ठीक है ना। आयु संबंधित प्रश्न में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय को फोकस करना, यानी कि टाइम को ज़्यादा फोकस करना, कैसे बताते। अगर बात किया जाए एक आदमी के लिए, ठीक है ना, जैसे कि मेरा ही एज, अगर प्रेजेंट टाइम पर मेरा एज है 10 साल, ठीक है, 10 साल, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए फ्यूचर, तो इसमें मेरा एज क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर बात किया जाए पास्ट में, ठीक है ना, पास्ट में क्या हो जाएगा कि मेरा एज जो है वो घट जाएगा। बात किया जाए कि 4 साल बाद, 4 साल बाद, बाद यानी कि प्लस लेना है, ठीक है ना। तो करना क्या, 4 साल बाद कितना एज हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 10 और 4 जुड़ जाएगा। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए 4 साल पहले क्या एज होगा, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 6 साल हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया आपका एक आदमी के लिए। वही अगर बात किया जाए कि दो आदमी, वही अगर बात किया जाए दो आदमी के लिए, ठीक है ना। मान लिया जाए कि ये मेरा एज है और ये मेरा दोस्त का एज है, क्या दोस्त का एज है 6 साल, इसको 8 साल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना है, 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है। वही अगर बात किया जाए 4 साल पहले, 4 साल बाद, है ना, 4 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा। तो अगर ये मेरा क्या है 10 साल, 4 साल बाद, 4 साल बाद अगर 14 हो गया, तो इसका 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा है 12 साल हो गया। एज का डिफरेंस कितना है, 2 साल, ठीक है। 4 साल पहले तो 4 घट जाएगा, यानी कि 4 साल। यहाँ भी एज का डिफरेंस कितना, 2 साल। इसका मतलब ये है कि कितनों भी साल बढ़ जाए फिर घट जाए, डिफरेंस हमेशा समान होता है, ठीक है, डिफरेंस हमेशा समान होता है। चलिए, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, तीन वर्ष, ठीक है, नहीं बोल रहा कि अगर 10 साल का एक आदमी और उसका भाई का एज है उसका आधा, ठीक है। तो अब जो है उसका साल अगर 40 साल है, अगर एक आदमी का एज अगर 10 साल है और उसका भाई का साल, भाई का जो एज है उसका आधा है, ठीक है। बोल रहा है कि अब, यानी कि ये हो गया इसका पास्ट का क्या है ईयर एज, अब फ्यू पास्ट के बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट में बोल रहा अगर वो 40 साल का है, प्रेजेंट में अगर वो 40 साल का है, तो उसका जो है ब्रदर का एज कितना होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसका आधा है, यानी कि यहाँ पे 5 साल का आ जाएगा। एज का डिफरेंस कितना है, 5 साल है। यहाँ पे क्या आना चाहिए दिमाग में, तो तुरंत आता कि चलिए ये जो आधा है तो यहाँ भी तो 20 साल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, गलत है, यहाँ पे 20 साल नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर आधा 5 साल है तो एज का डिफरेंस कितना है, 5 साल है। तो यहाँ भी एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 साल छोटा होना चाहिए, यानी कि ये भी कितना आएगा, 35 साल का होगा। यहाँ एज का डिफरेंस कितना, 5 साल है, यहाँ भी 5 साल, तो वहां भी 5 साल, राइट। तो एज का डिफरेंस हमेशा समान होता है, ये नहीं कि यहाँ पे आधा तो यहाँ भी आधा कर देंगे तो आंसर जो होगा गलत हो जाएगा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छे लगे तो करना क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, राइट। चलिए, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि राजू की आयु रामू की आयु की 2 गुनी है। अब बोल रहा है कि 10 साल पहले राजू की आयु रामू की आयु से 4 गुनी थी, ठीक है। तो राजू की आयु और रामू की आयु, मतलब कि वर्तमान आयु क्या होगी, राजू और रामू की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर लिखेंगे राजू और यहाँ पे रामू, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, अगर ये 1:1 में है तो ये इसका 2 गुना है। कितने साल के बाद बोल रहा है कि 10 साल बाद नहीं है, पहले है, ठीक है ना। तो 10 साल पहले, पहले जब भी आएगा तो करना क्या, माइनस का चिन्ह लगाना। चलिए, एक बात है, जब कभी भी समान चिन्ह रहेगा तो प्लस कर देना है, और समान चिन्ह नहीं रहेगा तो माइनस कर देना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 10 साल पहले जो है
राजू की आयु रामू की आयु से 4 गुनी थी, यानी कि राजू की आयु रामू की आयु से कितना गुना था? 4 गुना था। अब ट्रिक क्या है, सिंपल सा, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिखना है, ठीक है, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिखना है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 एकम 4 माइनस करना है, 2 एकम 2 कितना आया, 2 आया, ठीक है ना। चलिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करने के बाद माइनस के बराबर, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 और ये आपका हो जाएगा 10 एकम 10, ठीक है। समान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आया आपका, 30 हो जाएगा, ठीक है। समान चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 जो होगा वो 30 के बराबर होगा, यानी 1 जो होगा वो 15 के बराबर होगा, ठीक है। 1 15 के बराबर है और 2 30 के बराबर है, दोनों का क्या हो गया, आपका जो एज जो है वो निकल गया, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 एंड 15। चलिए, इसको बेसिक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी बेसिक से बताते हैं, ठीक है, बेसिक और ट्रिक दोनों से। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, जैसे कि समीना तथा क्या है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। अब बोल रहा है कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगी, तो बोल रहा उनकी आयु का अंतर क्या, मतलब कि हमको करना क्या, डिफरेंस निकालना, ठीक है ना, डिफरेंस, एज का डिफरेंस निकालना। सबसे पहले तो दोनों का एज निकालना पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक रूल अप्लाई करते हैं। बेसिक करना क्या है, अगर एक्स, अगर एज को एक्स मानेंगे, एज को अगर एक्स मानेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीना की आयु, समीना की आयु कितना हो जाएगा, तो 7x, और सुहाना का आयु कितना हो जाएगा, तो 3x। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 साल बाद, जब कभी भी 6 साल बाद तो क्या करना है, उसको एड कर देना है 6 साल, तो ये 6 साल बाद का आयु हो जाएगा, ठीक है ना। अब 6 साल बाद का आयु का बोल रहा है कि अनुपात कितना है, तो 5:3, तो इसका अनुपात कितना है, 5:3 के बराबर है। अब सिंपल सा इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो 7 * 21 एक्स प्लस 6 * 18 इक्वल टू 5 * 15 x + 6 = 30। अब ये इधर जाएगा माइनस, यानी कि 15 में 21 में 15 गया तो कितना आ जाएगा, 6x इक्वल टू, और ये इधर जाएगा तो 2n, यानी x बराबर 2 आ गया। तो सिंपल सा करना क्या है कि इस सब में अप्लाई कर देना है 2 का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये तो इसका वर्तमान आयु निकलेगा, एक्चुअल आयु निकलेगा, तो कितना है, अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स का वैल्यू 2 आया, तो 7x कितना हो जाएगा, 7x 7 * 2 यानी कि 14, और दूसरा कितना, 3x यानी कि 3 * 2 यानी कि 6, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 8, यानी कि 8 साल जो होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको ट्रिक के जरिए देख लेते हैं, ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में समीना और सुहाना इसका रेशियो कितना दिया, 7:3 दिया है, ठीक है ना। ये है समीना, समीना और ये क्या है, सुहाना, ठीक है। अब बोल रहा है कितना कि 6 साल बाद, यहाँ +6 कर सकते हैं, +6, उसका रेशियो कितना है, 5:3। सबसे पहले तो एज का डिफरेंस देखेंगे, एज का डिफरेंस यहाँ पे, एज का डिफरेंस कितना है, 4 साल है, यहाँ का एज का डिफरेंस कितना है, 2 साल है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका एज का डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं * 2, और इसका एज का डिफरेंस नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे * 4, राइट। तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो नया जो रेशियो निकलेगा वो क्या, 7 * 2 = 14, और इधर रेशियो हो जाएगा +6, यहाँ पे 6 साल बाद, 6 साल बाद ये हो जाएगा 5 * 4 = 20 रेशियो, और ये हो जाएगा 4 * 3 = 12, राइट। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं। चलिए, तो सिंपल करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48:48। इसका मतलब ये है कि 1:1 आएगा, 1 जो है 1 के बराबर होगा, इसका मतलब 6 जो है 6 के ही बराबर होगा, और 14 जो है 14 के ही बराबर होगा। तो सिंपल सा हम लोग को करना क्या है, अगर डिफरेंस है तो 14 को 6 से माइनस कर देना, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 8 साल होगा, ठीक है।
तो यहाँ भी 8 साल वहां भी 8 साल, यानी कि आंसर जो है वो सही है। आप लोग को करना क्या है, समझ में अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया तो क्या क्या किया जाएगा, जैसे कि आगे जो भी वीडियो है तो उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है ना, वो अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु का 4 गुना है, ठीक है ना, यानी कि जो बात कर सकते हैं कि 8 वर्ष पूर्व जो है विशाल की आयु अपने पुत्र, विशाल जो है पापा है, पिता का नाम है, और पुत्र का नाम क्या है, शेखर है, राइट। तो विशाल की आयु 8 वर्ष पूर्व, चलिए यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम से, डायग्राम के जरिए थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये अगर बात किया जाए एक्स है तो 8 साल पूर्व तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 8 हो जाएगा, और 8 साल पहले क्या हो जाएगा तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ, अगर इससे हमको यहाँ पे जाना है 8 साल बाद में जाना है तो करना क्या है, तो 2 बार 8 से प्लस करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, 2 बार 8 से प्लस करना पड़ेगा। चलिए तो 2 बार 8 से अगर प्लस करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ जान लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 साल पूर्व जो है विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु के 4 गुना था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेखर का जो आयु है वो कितना हो जाएगा, शेखर का आयु अगर हो जाएगा 8 साल बाद, अगर 8 साल पहले 4 गुना है तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसका आयु एक्स प्लस 8 और विशाल की आयु 4x, विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुना था, ठीक है ना। चलिए तो अपने पुत्र ये शेखर है, शेखर का आयु विशाल का आयु 4x प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका 8 साल पहले का बात कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन इतना है, ठीक है, 8 साल अगर बाद का बात किया जाए तो 8 साल बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम आ जाएगा, और उसके 8 साल बाद आपका फ्यूचर में आ जाएगा। तो यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार 8 से प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो एक प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, फ्यूचर में लाने के लिए, राइट, ये क्या है, फ्यूचर में लाने के लिए। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि अब जो है 8 साल बाद की आयु शेखर की आयु का 2 गुनी हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, विशाल की आयु जो है वो अपने क्या है, अपने पुत्र शेखर की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी पुत्र का शेखर क्या है, इतना इसके 2 गुने के बराबर हो जाएगा, है ना, 2 गुने के बराबर हो जाएगा। अब इसको करना क्या, इसको सॉल्व करना है, जो आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या है, सबसे पहले तो दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई है, 4x प्लस 8 दुनी 16, इधर बात कर लेते हैं तो x प्लस 16 और ये इंटू 2, यानी कि ये आपका 4x प्लस 16 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 16 दुनी 32, ये इधर जाएगा तो कितना आ गया, 4x में 2x जाएगा तो 2x इक्वल टू, चलिए इसको इधर लाएंगे तो 32 में 16 गया तो निकलेगा 16, यानी x का वैल्यू आया 2, राइट, x का वैल्यू आया 2। चलिए निकालना क्या है, तो प्रत्येक का वर्तमान आयु निकालना, ठीक है, तो वर्तमान आयु निकालना सिंपल सा है, अगर एक आएगा 16 तो दूसरा क्या है, 4 गुना अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो 8 4 कितना हो जाएगा, एक अगर आएगा कितना, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यानी कि एक आएगा आपका 4 गुना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह कि 8, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या था, x माइनस 8 से अगर प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 करना पड़ेगा, माइनस से प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद फ्यूचर के लिए क्या बोले थे, x प्लस 8, अब फिर से प्लस 8, तो हमको करना क्या, x प्लस 8, x अगर क्या है 2 है, है ना, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 8 के लिए क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा है, प्रेजेंट में लाने के लिए, प्रेजेंट का निकालना, तो प्रेजेंट में लाने के लिए क्या हो जाएगा, तो
एक्स प्लस एट यानी कि 2+8 यानी कि 10 साल। और वो बोल रहा है कि उसका पापा का 4 गुना है यानी कि 40 साल इसका हो जाएगा, 4 गुना यानी कि 40 साल, 400 गुना कर देगी, राइट। चलिए तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 40 और 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी की आयु का अंतर दिया है 16 साल, 16 वर्ष है। ए और बी के आयु का अंतर कितना 16 साल है। अब बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 3 गुनी थी, 6 साल पहले 3 गुनी थी, तो प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो पहले का अगर बात किया जाए तो ए की आयु कितना हो जाएगा, अगर आयु x है तो ये 3 गुना हो जाएगा, और b की आयु तो x मानेंगे क्योंकि बोल रहा है a की आयु b की आयु का 3 गुनी है, तो इसको 3x मानेंगे और इसकी आयु को x मानेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले का आयु कितना हो जाएगा, तो a की आयु कितना हो जाएगा 3x-6 हो जाएगा, और b की आयु कितना हो जाएगा तो x-6। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर जो है, दोनों का अंतर जो है, आयु का अंतर जो है 6 साल पहले दोनों का अंतर कितना है, तो 16 है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 16, ए कितना है 3x-6, और ये रहा आपका x-6 इक्वल टू कितना 16। यानी कि कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं 3x में x गया तो 2x इक्वल टू ये आपका निकलेगा माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो नेक्स्ट का वैल्यू कितना है 2 गुना ज़्यादा अगर है, ठीक है ना, 2 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगर एक का जो ईयर है अगर 8 साल है तो दूसरा का ईयर कितना हो जाएगा 16 साल। क्वेश्चन में देखना है, ठीक है ना, ये 2 साल ज़्यादा है तो दूसरा का ईयर कितना हो जाएगा 16 साल हो जाएगा, ठीक है, एक का 8 साल तो दूसरा का क्या हो जाएगा 16 साल हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बोल रहा 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुनी थी, 3 वर्ष जो है पूर्व पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र का 3 गुनी ज़्यादा है, सॉरी 3 गुना नहीं 7 गुनी थी, ठीक है ना, 7 गुनी थी। अब बोल रहा है कि इस समय जो है पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना 5 गुना है, और प्रेजेंट टाइम पर क्या है उसका 5 गुना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा बोल रहा है कि तो पिता और पुत्र का वर्तमान आयु क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले का अगर गुना को अगर एक्स मानेंगे और दूसरा का गुना को वाई मानेंगे, और जो टाइम दिया है अगर उसको हम क्या करेंगे, टाइम को अगर टी मान लेंगे, राइट, टाइम को अगर टी मान लेंगे, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला क्या है, तो टी x-1 अपॉन में x-y, राइट, टाइम हो जाएगा आपका 3, एक्स क्या है 7, तो 7-1 और इधर हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 7 में 5 गया तो 2, ये कितना हो जाएगा 3×6 अपॉन में 2 काट देंगे 3, यानी 3×3 का 9, राइट, 3×3 का 9। चलिए तो एक निकला आपका 9 साल, वो क्या है एज है सन का, अगर सन का एज निकला आपका 9 साल तो जो आपका क्या है फादर, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, तो उसका कितना गुना है 3 गुना है, 3 गुना नहीं बोल रहा यहाँ पर, हाँ पुत्र का 5 गुना है, राइट, 5 गुना है, फादर का एज कितना 5 गुना है, तो 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9×45 साल, ठीक है ना, पापा का साल कितना हो जाएगा, पिता का साल 45 और सन का 9 साल, राइट। तो इस ट्रिक को दिमाग में रखना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन क्या करना है, एक क्वेश्चन जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ए तथा बी
के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 1:2 और 3:4 तथा 7 साल बाद दोनों का आयु का अनुपात हो जाता है कितना 9:11 तो दोनों का वर्तमान आयु क्या हो। ठीक है, करना क्या है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।